हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस रेलवे यूट्यूब चैनल रेलवे इंक्वायरी के एक और नए इंटरेस्टिंग रेल वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान को अलॉट हुई कुछ ट्रेनों के बारे में। दोस्तों, इनमें से एक ट्रेन जो है वो स्पेशल होने वाली है और एक ट्रेन जो है नॉर्मल रेगुलर ट्रेन होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है नितिन और आप लोग देख रहे हैं रेलवे इंक्वायरी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरे राजस्थान के समस्त भाइयों और बहनों को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शुरू करते हैं हमारी पहली गाड़ी जो कि होने वाली है अजमेर से बांद्रा टर्मिनस के लिए चलने वाली अपनी 13 ट्रिप को स्पेशली देने वाली जो ट्रेन है वो है ट्रेन नंबर 09621 जो कि एक वीकली सुपरफास्ट स्पेशल होने वाली है। 3 अप्रैल से शुरू करने वाली अपनी यात्रा को 3 अप्रैल से अजमेर से ये ट्रेन हर संडे को 6:35 पर अपनी यात्रा को सुबह शुरू करेगी और अगले दिन बांद्रा टर्मिनस सुबह 4:15 पर अपनी यात्रा को ख़त्म कर लेगी। वापसी में ये ट्रेन नंबर 09622 बनकर के बांद्रा टर्मिनस से सुबह 11:15 पर सोमवार को अपनी यात्रा को शुरू करेगी और अगले दिन सुबह 9:10 पर अपनी यात्रा को वापस अजमेर जंक्शन पर आकर के समाप्त कर लेगी। दोनों ओर से ये ट्रेन जयपुर, सवाई माधोपुर, रतलाम, वडोदरा और बोरीवली जैसे बड़े स्टेशनों पर रुक कर के चलेगी। अब बात कर लेते दोस्तों हमारी अगली गाड़ी के बारे में जो कि है बांद्रा टर्मिनस से बाड़मेर के लिए चलने वाली एक वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। दोस्तों, ये ट्रेन बांद्रा टर्मिनस से 09037 बनकर के हर शुक्रवार को शाम को 7:25 पर अपनी यात्रा को शुरू करेगी और अगले दिन दोपहर के 1:45 पर बाड़मेर में अपने यात्रा को समाप्त कर लेगी। वहीं वापसी में ये ट्रेन 09038 बनकर के बाड़मेर से रात के 9 बजे अपनी यात्रा को शुरू करेगी और अगले दिन बाड़मेर में शाम के 3:45 पर अपनी यात्रा को समाप्त कर लेगी। ये ट्रेन दोस्तों दोनों तरफ से बोरीवली, वडोदरा, अहमदाबाद, मारवाड़, समदड़ी जैसे बड़े स्टेशनों पर रुक करके चलेगी। दोस्तों, बाड़मेर बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट और अजमेर बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल दोनों ट्रेनें आपस में रेक शेयर करेंगी। अब बात कर लेते हैं हमारी अगली गाड़ी के बारे में जो कि एक नॉर्मल रेगुलर ट्रेन होने वाली है। ये कोई स्पेशल ट्रेन नहीं है दोस्तों, ये ट्रेन होने वाली है ट्रेन नंबर 20489 जो कि बाड़मेर से जयपुर के लिए हफ्ते में 5 दिन मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को अपनी यात्रा को शुरू करेगी। 29 मार्च से शुरू कर चुकी ये ट्रेन अपनी सेवा को बाड़मेर से रात के 7:40 पर अपनी यात्रा को शुरू करेगी और अगले दिन सुबह 6:40 पर अपनी यात्रा को जयपुर में समाप्त कर लेगी। वापसी में ये ट्रेन हर सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को जयपुर से रात के 9 बजे अपनी यात्रा को शुरू करेगी और अगले दिन सुबह 6:25 पर बाड़मेर में अपनी यात्रा को समाप्त कर लेगी। दोस्तों, ये ट्रेन दोनों ओर से फुलेरा, कुचामन सिटी, डेगाना, मेड़ता रोड, जोधपुर और समदड़ी जैसे स्टेशनों पर रुक करके चलेगी। इस ट्रेन में आपको 2 फर्स्ट कम सेकंड AC के कोच देखने मिल जाएंगे, 3rd AC के कोच देखने को मिल जाएंगे, 5 स्लीपर कोचेस और 4 जनरल और 2 गार्ड के डिब्बों के सहित ये ट्रेन आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगली जो हमारी गाड़ी होने वाली है वो होने वाली है बाई वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो कि बाड़मेर से पुरानी दिल्ली के लिए चलाई जा रही है। 28 मार्च से ये रेल सेवा शुरू हो चुकी है। ट्रेन नंबर 20487 बाड़मेर से पुरानी दिल्ली के लिए चलने वाली बाई वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन जो कि बाड़मेर से हर सोमवार को और गुरुवार को अपनी यात्रा को रात के 9:40 पर शुरू करेगी और अगले दिन पुरानी दिल्ली में ये ट्रेन दोपहर के 12:35 पर पहुँच जाएगी। वापसी में ये ट्रेन पुरानी दिल्ली से शाम के 3:40 पर अपनी यात्रा को शुरू करेगी और अगले दिन सुबह 6:30 पर अपनी यात्रा को बाड़मेर में समाप्त कर लेगी। दोनों ओर से ये ट्रेन अलवर, जयपुर, फुलेरा, मकराना और जोधपुर जैसे बड़े स्टेशनों पर रुक करके चलेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कीजिएगा लाइक। चैनल पर यदि अगर आप नए हैं तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दीजिएगा ऑन ताकि चैनल के आने वाले हर अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे और यात्रा कर रहे होंगे। मिलते हैं आप अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।